हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल आज के वीडियो में हम मेंटल हेल्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो का बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग उसका एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जब हम मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल हेल्थ नॉर्मल हेल्थ क्या होती है तो देखिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन पढ़ी होगी हेल्थ की हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द absence ऑफ diseases. हॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन में दिया गया है कि जो हमारी बॉडी है वो फिजिकल इट मीन्स कि शारीरिक रूप से मेंटल इट मीन्स कि मानसिक रूप से एंड सोशल कि सामाजिक रूप से हमारी जो बॉडी है वो वेल well बींग रहना चाहिए जो हम बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होगी मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी और सामाजिक रूप से हम जो स्टेबल रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि यस वी आर हेल्थी पर्सन एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीजेज और हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन नहीं रहना चाहिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मेंटल हेल्थ हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल एंड कंपोनेंट ऑफ पर बताया गया है कि जो मेंटल हेल्थ है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हेल्थ का क्योंकि हमने हेल्थ की डिफिनेशन में देखा था कि हम हेल्दी कब कहलाएंगे जब हम रूप से बींग रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम एक हेल्दी पर्सन है पर मेंटल हेल्थ को भी एक एसेंशियल कंपोनेंट रखा गया है हेल्थ में के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय मेंटल डिसऑर्डर्स कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसे हम प्रमोट कर सकें प्रिवेंशन कर सकें कर सकें मेंटल डिसऑर्डर्स को ताकि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो रही हैं उन्हें हम उनका अर्ली ही प्रिवेंशन कर सकें ट्रीटमेंट कर सकें जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं रिहैबिलिटेशन कर सकें जो भी अफेक्टेड पर्सनस हैं जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें इसीलिए हमारा जो नर्सिंग सिलेबस है उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग को भी ऐड किया गया है तो देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कार मैनेजर नाइनटीन फोर्टी सेवन डिफाइन मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग टू दर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ अ मैगजिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस कार मैनेजर के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन दी गई है इन्होंने डिफाइन किया है कि मैंटल हेल्थ क्या है यदि हम एडजस्ट हो जाते हैं एंड एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर यदि हम अपने आउटर वर्ल्ड में और हम एक दूसरे के साथ ईजिली एडजस्ट हो पा रहे हैं विथ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस हैप्पीनेस और इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम कह सकते हैं कि हम एक मेंटली हेल्दी पर्सन है अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनेजर यदि हम मेंटली हेल्दी होंगे तो हम अपने आउटर वर्ल्ड के साथ ईजिली एडजस्ट कर पाएंगे हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ हम इजिली एडजस्ट कर पाएंगे विथ अ मैग्जिम ऑफ़ इफेक्टिवनेस इट मीन्स कि इफेक्टिवनेस के साथ और हैप्पीनेस के साथ लेकिन वहीं यदि कोई व्यक्ति है जो कि मेंटली इल है तो आपको ऐसे याद रखना है कि यदि कोई मेंटली इल पर्सन होगा तो वो इजिली वो इजिली एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा अपने आउटर वर्ल्ड में आसपास के लोगों के साथ एडज एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो किसी भी काम को करेगा तो उसमें कि, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस नहीं रहेगी ठीक है से आप जो है कार मैनेजर की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर सकते हैं एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ अ मैग्जिम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस हम एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ए पी ए नाइनटीन एटी डिफाइन मेंटल हेल्थ एज साइमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग लविंग एंड क्रिएटिंग विद द कैपेसिटी फॉर मेच्योर एंड फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक बिटवीन इंस्टिंक्ट, कंसाइंस इम्पोर्टेंट अदर पीपल एंड रियलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन दी है इसमें उन्होंने बताया है कि हमारी मेंटल हेल्थ हम कैसे बोलेंगे कि हम मेंटली हेल्दी हैं तो देखिए यदि हम मेंटली हेल्दी होंगे तो हम क्या कर सकेंगे इजिली अपने वर्क को परफॉर्म कर सकेंगे हमारा नेचर जो है वो लविंग रहेगा लोगों को अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकेंगे क्रिएटिंग नेचर रहेगा हम कुछ न्यू क्रिएटिविटी कर सकते दिया गया है विद द कैपेसिटी

कंसाइंस वे में हो कि वो हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है तो इस तरीके से यदि हमारा जो नेचर है वो इस तरीके से रहेगा कि हम अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे लोगों से अच्छे से बात कर सकेंगे अपने जितने भी कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनका ईजिली रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं अच्छे और बुरे में हमें पहचान रहना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है तो यदि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं तो हम बोल सकते हैं कि येस वी आर मेंटली हेल्दी पर्सन वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ की दो डेफिनेशन डिस्कस की है आगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और